चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो त्रिविमीय ज्यामिति हम लोग का लेसन कौन सा है, लेसन ये 11 है। लेसन कौन सा है, लेसन आपका 11 है और हम लोग इसमें 11.1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो 11.1 को शुरू करने से पहले हम लोगों को दो चीज़ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब वो दो चीज़ कौन है, यहाँ पर आप देखिए, लिखिए नहीं अभी, देखिए पहला है दिक् कोसाइन। पहला क्या है, दिक् कोसाइन, इसको दिक् कोज्या भी बोलते हैं जी, दिक् कोज्या, वही साइन का कोसाइन का होता है, कॉस का होता है कोज्या और साइन का होता है ज्या, सभी लोग जानते ही हैं, इसको दिक् कोज्या भी बोलते हैं। और दूसरा चीज़ जानना है हमको दिक् अनुपात, क्या जानना है, दिक् अनुपात। ये दो चीज़ें अगर आप जानते हैं तो पहला एक्सरसाइज आराम से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इन दोनों के आधार पर ही हम लोग पहला एक्सरसाइज हल करेंगे। एक हो गया दिक् कोसाइन, दूसरा हो गया दिक् अनुपात। अब ये दिक् कोसाइन क्या है, पहले दिक् कोसाइन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि दिक् कोसाइन क्या है, फिर हम इन दोनों को समझ लेंगे, उसके बाद से 11.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 को क्वेश्चन होगा इसमें, देख रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 5-6 क्वेश्चन है ना, हाँ तो ज़्यादा नहीं है। तो फिर से इसको अच्छे से समझिए, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, क्योंकि ये बार बार आएगा, ये पूरा लेसन हर लेसन में एक बार ज़रूर आ जाएगा दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तो ये बार बार आने वाला चीज़ है, इसको समझिए अच्छे से। दिक् कोसाइन क्या कहलाता है, दिक् कोसाइन का मतलब हुआ कि आप एक सदिश, जब सदिश का निर्माण करते हैं तो जनरली आप किसी भी सदिश के निर्माण को, सदिश का निर्माण करना है ना, तो कम से कम दो गो बिंदु चाहिए। जैसे सदिश बना रहे हैं, एक ही और बिंदु ले लिए, एक ही और बिंदु ले लिए, दोनों को मिला देंगे तो सदिश बन जाएगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना, स्थिति सदिश बनेगा। अब ये जो सदिश है, इस सदिश का एक टेल होगा और एक क्या होगा, हेड होगा। तो कुछ निर्देशांक टेल का भी होता है और कुछ निर्देशांक, मैंने दो बिंदु से मिला के अगर आप सदिश बना रहे हैं तो उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता होगा ना। तो दोनों बिंदुओं का निर्देशांक जब पता होता है तो हम इसको इसको लिख देते हैं कि यह निर्देशांक है x1 y1 z1, और दूसरका वाला बिंदु का निर्देशांक है x2 y2 z2। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सदिश बन गया। अब ये सदिश आप जब थ्री डायमेंशन में इसको खींचेंगे एक्स वाई और जेड, इसमें यह एक्स हो गया है, वाई हो गया और यह जेड हो गया, और इसमें कोई सदिश खींचते हैं तो वह सदिश एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगा, वह सदिश एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगा उसका कॉस ले लीजिए। तो मान लीजिए कि एक्स अक्ष के साथ यह कोण कितना बना रहा है, अल्फा, तो उसका कॉस लेंगे तो कॉस अल्फा। वाई अक्ष के साथ मान लीजिए कोण बना रहा है बीटा, तो उसका लेंगे कॉस बीटा। और जेड के साथ अगर गामा कोण बना रहा है तो ये हो गया कॉस गामा। तो यही तो बनाए गए कोण है, अब बनाए गए कोण का कॉस लिए हैं ना, तो कोण तो दिशा को बताता है, कोण क्या बताता है, तो यहाँ दिक् का अर्थ दिशा से मतलब है। इंग्लिश देखेंगे तो डायरेक्शन को साइन लिखा होगा, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। तो कोण तो बता रहा है ना कि किस दिशा में आपका सदिश है, और कोसाइन का मतलब कि उस कोण का कॉस ले लिए हैं। कोसाइन का मतलब क्या है, उस कोण का क्या लिया गया है, कॉस। तो डायरेक्शन और उसका कोसाइन ले लिए हैं, मतलब कॉस ले लिए हैं, तो वो हो गया डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कि दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन। ठीक है, जैसे आप कॉलम दीजिए तो हम समझाएं थोड़ा सा, कम से कम 4 को कॉलम दो, 4 को क्वेश्चन दे दो। चलो मिल गए, यहीं से मिल गए, एक ही जगह से 4 क्वेश्चन सब चुराए गए कलम में कलम कलम नहीं चला, हो गया, समझो इसको, ऐ समझो चुराया नहीं कलम। एक एक अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष, समझ रहे हैं ना, ये एक अक्ष या वाई अक्ष, एक इसमें निकाल देते हैं जेड अक्ष। तो ये आपका तो हो गया पहले त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन तो हुआ, या एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। थोड़ा सा बढ़िया से पकड़ा नहीं पा रहा है, फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया अच्छे से,
अब इसमें है एक सदिश है, तो हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष है, कौन हो गया जेड अक्ष, जिसको हम नीचवा दिखाए हैं ना, तो जैसे बोर्डवा के बाहर नहीं खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं बोर्ड के बाहर, तो ये नीचे दिखा दिए हैं। अब ये आपका थ्री डायमेंशन हो गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड। अब इसमें एक सदिश बना दिए हैं, ऐसे कैसे ही बना दो, मान लो कि ये वो सदिश पकड़ा जाओ, हाँ ये वो सदिश पकड़ा गया, सदिश बन गया। अब इस सदिश का हम कहें कि इस सदिश एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, एक और कॉलम दो जल्दी, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, तो देखो हाई एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष से कोण ही बना रहा है, देख रहे हैं, तो यही कोण आपका कौन है, अल्फा है, अल्फा का कॉस ले लिए तो कॉस अल्फा कोसाइन हो गया है। अच्छा हम कहें कि ये वाई अक्ष से कितना कोण बना रहा है, तो वाई अक्ष वाला कोण ही ना है, वो कोण कौन है, बीटा है। आई जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, यह वाला कोण बना रहा है, जेड अक्ष के साथ यह वाला कोण है, अंतर समझ में आ रहा है। इसको आप 3D में ऐसे बोर्ड पर बनाएंगे समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आ रहा ना कि कौन कोण कहाँ का है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ क्या है, और सदिश आपका यह है, तो यह सदिश थोड़ा बहुत एक्स अक्ष के तरफ भी है, थोड़ा बहुत ऊपर उठा है तो वाई अक्ष के तरफ भी है, और थोड़ा बहुत बाहर भी तो निकला है माने जेड अक्ष के तरफ है, लेकिन इसको कहें कि ना एकदम स्ट्रेट है, इस पर सीधा है, तो एक्स और वाई पर है, जेड पर तो हिले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दीजिए, है ना कर दीजिए, देख रहे हैं तीनों पर आ गया ना, तो यही आपका त्रिविमीय ज्यामिति है। तो यह सदिश है, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाया वो अल्फा, वाई के साथ जो कोण बनाया वो बीटा, और जेड के साथ जो कोण बनाया वो गामा, वही आपका है अल्फा, बीटा और गामा। तो इन बनाए गए कोणों का अगर हम कॉस ले लें, क्या ले लें, कॉस, तो किसी सदिश द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए कोणों का अगर आप कॉस लेते हैं तो वही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्या। को समझ में आ रहा है, तो यदि कोई सदिश हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिक्कोसाइन के बदले में, कि यदि कोई सदिश कुछ भी ले लीजिए वेक्टर ए अपने मन से, यदि कोई सदिश वेक्टर ए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाए या गामा कोण बनाती है, अब तो समझ में आ रहा कि कोण कैसे बन रहा है, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो दिक्कोज्याएँ क्या हो जाएंगी, दिक्कोज्याएँ होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बनाती हैं, तो कॉस अल्फा जो कोण बना रहा है उसी का कॉस ले लिए, कॉस बीटा तथा कॉस गामा उस सदिश का क्या कहलाएगा, उस सदिश का दिक्कोज्या कहलाता है या दिक्कोसाइन कहलाता है, दिक्कोसाइन कहलाता है, कोई दिक्कत इसमें, कहलाता है, कोई समस्या नहीं है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन को देख लें इसके। तो दिक्कोसाइन समझ गए अच्छे से, यदि कोई सदिश वेक्टर ए एक्स वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उसको क्या बोलेंगे, दिक्कोसाइन। अब इन दिक्कोसाइनों को स्मॉल एल, एम और एन से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें किसे दिखाते हैं, इन्हें क्रमशः एल, एम तथा एन से प्रदर्शित किया जाता है, मंत्रा पर थोड़ा देखते रहना, प्रदर्शित किया जाता है। तब तो ये हो गया एल बराबर कॉस अल्फा, नहीं जी, एम बराबर कॉस बीटा तथा एन बराबर, कोई दिक्कत इसमें, ये समझ गया ना, अब कहीं से एल, एम और एन आएगा तो समझ लेना कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है। और जब इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, अल्फा का, बीटा का, गामा का,
कॉस के साथ स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाता है वन। कल इसका उपयोग हम किए थे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, बतिया तो वही है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। हम लोग आने वाले एक्सरसाइजों के लिए क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। आगे तो सवाल में दे देगा सिद्ध करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए क्या समझिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। तो दिक कोसाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद हम किसको देखते हैं, दिक अनुपात को। तो इसको इतना पहले थोड़ा सा लिख लो। अब समझिए दिक अनुपात क्या है। दिक अनुपात देखिए, तो दिक अनुपात तब हम लोग ज्ञात करते हैं ना कि जब सदिश के दोनों बिंदु पता हो। जैसे मान लीजिए कि ये सदिश है, सदिश हो गया तो ये सदिश दो बिंदुओं से मिलकर बना है, एक x1 y1 z1, यह हो गया x2 y2 z2, समझ रहे हैं? तो इस सदिश का, इस सदिश को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सदिश को लिखना होगा तो आई जे के में। तो ठीक है, अंक का डिसाइड कहाँ से करते हैं, हम लोग पहले एक्सरसाइज का पढ़ लिए हैं, पहले लेसन में का, इसके पिछला वाला में हमें से घटाते थे ना, x2 माइनस x1 i होता था इस तरह से। इसको वेक्टर अगर हम कहें कि इसको a मानिए तो वेक्टर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k। क्या पिछला एक्सरसाइज में ऐसा नहीं किए थे, पिछला लेसन में भी तो इस तरह का कर चुके हैं, ऐसा किए हैं ना कि जब दो बिंदु रहेगा तो दोनों में से। अब देखिए इसको अगर आप a मानते हैं, इसको क्या मान लीजिए b, तो ये निकला वेक्टर ए बी, कौन निकला है, तो ए बी निकला है, तो मतलब बी पर तीर है, मतलब तीर का जो नोक है वो किधर है, बी के तरफ है, तो बी में से घटाते हैं ए वाले को। लेकिन यही अगर ए बी कहा होता ना वेक्टर, तो ये तीरिया उधर नहीं रहता, तीर इधर रहता, और तब घटाते एक्स वन माइनस एक्स टू, समझे, वाई टू वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू, उल्टा हो जाता। अब ये जो सदिश बन गया है ना सदिश, इसमें पूछा जाए कि दिक अनुपात कौन है, तो यहाँ पर दिक अनुपात यही है, दिक अनुपात जो घटा घटा के जो अंक डिसाइड किए हैं ना, यही दिक अनुपात है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, दिक अनुपात समझ जाएंगे। लेकिन दिक अनुपात के लिए एकदम ये होना चाहिए कि कम से कम दो को बिंदु हो, तभी ना सदिश बनेगा, और सदिश बनेगा तो घटाएंगे बिंदुओं को, तो जो निकलता है वो क्या निकलता है, दिक अनुपात ही निकलता है। और दिक अनुपात को हम लोग दिखाते हैं ए बी सी से, किसे दिखाते हैं, ए बी सी से। तो ए बी सी से जब दिखाया जाता है तो यहाँ पर हो जाता है यह ए हो जाता है, समझे, इन्हें किसे दिखाते हैं, इन्हें ए बी तथा सी से प्रदर्शित करते हैं। ए इक्वल टू होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, बी इक्वल टू होता है वाई टू माइनस वाई वन, सी इक्वल टू होता है जेड टू माइनस जेड वन, समझा रहा है? इसको लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं, हमको लग रहा है कि दिक अनुपात में घटा देना है बस, x2 टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और z2 टू माइनस जेड वन। तो ये जो निकल गया ना, ये आपका आराम से क्या निकल गया, दिक अनुपात निकल गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और समस्या होती है, अगर आपके पास दो बिंदु पता है तब ना आसानी से दिक अनुपात निकाल लीजिए, दिक अनुपात निकाल लिए। लेकिन अगर दोनों बिंदु नहीं पता होता तब क्या करते, एक बार दे दे, अच्छा दोनों अंक में दे दे, जैसे टू थ्री फोर दे दे, ठीक है, एक दे दे वन माइनस टू और फाइव, भाई बिंदु ए है यह बिंदु बी है, आ कहे कि वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, एक में से दो गया तो माइनस वन आई, माइनस टू में से माइनस थ्री जाएगा तो माइनस फाइव जे, और फाइव में से फोर गया तो वन वन के, यही ना आया, तो घटा के ही निकाले हैं ना, तो यही से दिक अनुपात मिल गया, माइनस वन माइनस फाइव प्लस वन, हो तो गया दिक अनुपात, समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तब होती है ना जब बिंदु नहीं दे,
एक बार कह दे 2i प्लस 3j प्लस 3k। अब कहे कि निकालिए दिक कोसाइन, निकालिए दिक अनुपात निकालिए। तो यहाँ से अगर आप दिक कोसाइन निकालना चाहते हैं चाहे दिक अनुपात निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को निकालिए। हाँ, दो बिंदु है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई नहीं दिया होगा तो अपने मन कैसे निकालें, कुछ ना कुछ आधार दिया होना चाहिए। कुछ देगा तभी ना सवाल ये बनाएंगे, जब नहीं देगा तो क्या बनाएंगे। तो दिक अनुपात जब भी पूछेगा तो दो बिंदु देगा, बिना दो बिंदु का दिक अनुपात कैसे निकलेगा। हम कहें कि आप दो संख्याओं का अनुपात निकालिए और संख्या एक ही को दें तो निकल जाएगा, कम से कम एक और संख्या रहेगा तब ना निकलेगा। तो जब जब भी पूछेगा यह आपका दिक अनुपात तो कम से कम दो बिंदु जरूर देगा, समझे। अब इसमें आई जे के देगा तो आई के साथ वन है, जे के साथ वन है। हाँ तो यहाँ से तो सीधे निकल गया है, यहाँ पर तो दिक अनुपात डायरेक्ट निकल गया है वन वन। डायरेक्शन को साइन हम बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु है, देखिए यदि दो बिंदु लिख दे रहे हैं आप लिखते चलेंगे इसको। यदि कोई सदिश, यदि कोई सदिश दो बिंदुओं या ऐसे लिख देते हैं कि यदि ए एक्स वन वाई वन जेड वन तथा बिंदु बी एक्स टू वाई टू जेड टू, ऐसे समझ रहे हैं, माने बिंदु का निर्देशांक है एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के लिए दिक अनुपात कितना होगा। दिक अनुपात होगा x2 माइनस एक्स वन कमा वाई टू माइनस वाई वन तथा जेड टू माइनस जेड वन होगा। ये क्या होगा, यही दिक अनुपात होगा। दो बिंदु से अगर कोई सदिश बना रहे हैं तो उनके बिंदुओं का घटा करके जब हम नया सदिश बनाते हैं ए बी, तो जो घटाव आता है जो अंक यहाँ पर डिसाइड होता है ना वही क्या कहलाता है, दिक अनुपात। इन्हें किससे दिखाते हैं, इन्हें ए बी तथा सी से प्रदर्शित किया जाता है, ए बी तथा सी से प्रदर्शित किया जाता है, ए बी तथा सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, सी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन। अगर कहीं पर ऑलरेडी ये सदिश बना के दिया है तब क्या जरूरत है घटाने का, तब तो दिक अनुपात वहीं पर निकला हुआ है, बात समझ रहे हैं। अगर ऐसे बना के दिया है तो आखिर कहीं ना कहीं दो बिंदु से बना ही ना होगा। तो जो आई के साथ है वो ए है, जो जे के साथ है वो क्या है बी है, जो के साथ है वो क्या है सी है, वहाँ पर तो दिक अनुपात निकला हुआ है। अब समस्या तब होता है ना कि जब कोण नहीं दे आ कहे कि निकालिए दिक को ज्या, मैंने दिक अनुपात नहीं दे, जो अल्फा बीटा गामा दे रहा है ना वो नहीं दे आ कह दे कि क्या निकालिए दिक को ज्या, हाँ वही दिक को साइन निकालिए। तो यदि दिक अनुपात ए बी तथा सी हो तो दिक को जाएं एल बराबर, देखिए क्या होता है, पहले का एल होता है ना वही कास अल्फा है, एल बराबर होता है ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, एम बराबर एल एम एन ही ना होता है बी बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू सी बटा
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दिक अनुपात देगा तो दिक कोजे आराम से निकल जाएगा। और जो आपका सदिश दिया रहेगा वहाँ से दिक अनुपात एक लाइन में निकल जाएगा, सदिश से देख के दिक अनुपात निकाल देंगे। अब वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दिक कोजिया। अगर कोण दिया है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से निकाल सकते हैं, नहीं दिया है तो सदिश अब दोनों का दोनों साफ थोड़ी कर देगा, कोई ना कोई तो एगो देगा ना, चाहे कोण दे दे चाहे सदिश दे दे, समझ आ रहा है। छाप दो इसको, हम देखते हैं। प्रश्नावली 11.1, देखिए प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ये अल्फा दे दिया कितना, पहला क्वेश्चन के लिए अल्फा कितना दे रहा है 90 डिग्री, बीटा कितना दे रहा है 135 डिग्री, और गामा कितना दे रहा है 45 डिग्री। तो इसका दिक कोसाइन तो निकालना है, निकालना है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कितना, कॉस 90, कॉस 135, कॉस 45, कॉस 90 का मान 0 0। अच्छा कॉस 135 का मान कितना होगा, देखो कॉस 135 सेकंड में जाएगा और 90 प्लस 45 होगा, लिख दो जो कॉस 90 प्लस 45 और कॉस 90 प्लस जो थीटा होता है ना वो साइन होता है और सेकंड वाला में साइन प्लस होता है, क्या होता है एस टी सी। अच्छा साइन प्लस होता है कॉस निगेटिव हो जाता है तो हो जाएगा माइनस साइन 45 और माइनस 1/√2। कुछ समझ में आया, तो ये हो गया एक का 0 एक का माइनस 1/√2 और कॉस 45 का 1/√2 लिख देंगे। अतः दिक कोसाइन कितना हुआ, दिक कोसाइन हो गया 0 माइनस 1/√2 हो तो गया दिक कोसाइन। मिटा दें, कहाँ गया गुंजन, मिटा दें, कुछ नहीं है इसमें, तुम जब कह दोगे मिटा दिया जाए तो मिटा दिया जाए। बारमा ना हूँ मैं, शर्मा हूँ। दूसरा देखिए, यदि एक रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती हैं, माने अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों क्या है बराबर है, तो चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो इसको एक्स तो मान लीजिए, जब तीनों कोणों बराबर हैं तो एक्स मान लिया जाए। अब अभी इसका एक सूत्र पढ़े थे, हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अच्छा ये भी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ये भी होगा और कॉस स्क्वायर एक्स दूसर को होगा और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तीसरा भी होगा, ये 1 हो जाएगा। तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/√3 तो एक्स इक्वल टू, अच्छा पूछ कर रहा है कोसाइन ना पूछ रहा है तो इनवर्स क्यों निकालेंगे, कोसाइन पूछ रहा है तो कॉस तो रखना है, अतः कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस, देखिएगा अल्फा बीटा गामा सब एक्स के बराबर ना है, एक्स के बदले में एक बार अल्फा रखिए एक बार बीटा रखिए एक बार गामा, तो मानो तो सब बराबर आएगा 1/√3। हो गया आंसर, हो गया। तीसरा देखिएगा, दिक अनुपात दिया है एबीसी दिया है और दिक कोसाइन पूछा है, हो नहीं जाएगा, ए दे दिया बी दे दिया सी दे दिया और दिक कोसाइन एल पूछा है एम पूछा है और एन पूछा है, तो ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
फिर बी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा, चौथा देखिए, चौथा पूछ रहा है कि बताइए कि क्या संरेखा है। संरेखा देख लेते हैं कि संरेखा कैसे सिद्ध करते हैं। तो संरेख है तो सबसे पहले ना उसका दिक अनुपात ज्ञात करते हैं। तीन बिंदु कौन कौन दे रहा है, चौथा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन है। तीन बिंदु कौन दे रहा है, दो तीन चार, माइनस वन माइनस टू वन, फाइव एट सेवन। ये कह रहा है कि दिखाइए कि संरेख है क्या है, माने तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, त्रिभुज ज्ञात करते थे, क्षेत्रफल को जीरो दिखा देते, संरेख हो जाता था। उस हिसाब से दिखाना होगा तो इनका मिला के एगो सदिश बनाएंगे, इनको मिला के एगो बनाएंगे, फिर इनको मिला के एगो बनाएंगे, उनका क्षेत्रफल जीरो दिखाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। नए वाले दिक अनुपात वाले नियम से क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का दिक अनुपात निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों का दिक अनुपात निकाल लेते हैं, और इन उन दिक अनुपातों का अगर अनुपात बराबर है, दिक अनुपात निकाल लिए और फिर उनका अनुपात निकालेंगे, और दोनों का अनुपात अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि संरेख है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा ना संरेख है। तो देखिए पहले इसको क्या मान लें, इसको ए मान लें, ए बी और सी। तो लिखेंगे ए बी के लिए, वेक्टर ए बी, ए बी के लिए दिक अनुपात, ए बी के लिए दिक अनुपात। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप ए बी लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं दिक अनुपात। तो दिक अनुपात कितना होगा, माइनस वन में से माइनस टू घटेगा तो माइनस थ्री होगा, है माइनस टू में से माइनस थ्री घटेगा माइनस फाइव होगा, समझ रहे हैं, और वन में से फोर घटेगा तो माइनस थ्री होगा, समझ पा रहे कि नहीं। और बी सी के लिए दिक अनुपात, बी सी के लिए दिक अनुपात कितना होगा, घटाइए पाँच में से माइनस एक घटाइए तो घटाने के लिए वो माइनस, इसमें क्या है वो माइनस, तो ये तो छः हो जाएगा ना। आठ में से माइनस दो घटाइए दस होगा, सात में से घटाइए छः हो जाएगा, होगा। अब इनका अनुपात निकालिए, इनका अनुपात, अतः अनुपात किसका अनुपात है, दिक अनुपात का अनुपात है, अनुपात निकालिए। माइनस तीन बटा छः, समझ रहे हैं, कितना होगा, माइनस एक बटा दो, माइनस पाँच बटा दस, ये भी माइनस में एक बटा दो हो जाएगा, माइनस तीन बटा छः ये भी एक बटा दो हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि अनुपात बराबर हैं या अनुपात समान हैं, समान हैं, इसलिए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर ये संरेख नहीं होता, संरेख नहीं होता तो अनुपात भी हम लोगों का बराबर नहीं आता। आसान भी देना यह, किसका मैंने क्या जरूरत है, जब दूगो से काम चल जा रहा है, लाइने से दूगो ले लो ना, लाइन से ना है ए बी और सी, एक बार इनका, एक बार इनका ले लीजिए, बराबर हो गया। मैरवा जाना है तो बढ़िया रोड पर पकड़ के जाओ, अभी ना कि ना से गई नहीं तो बंकुल में घूमने खड़ांजा पीछ पकड़ के फिर घूमत घूमत मैरवा पहुँचने जा। लिखिए इसको, अच्छा एक चीज़ और देखिए, पांचवा का क्या पूछ रहा है, दिक कोसाइन तो पूछ रहा है, दिक कोसाइन ज्ञात कर लेंगे, पहले दिक अनुपात निकाल लेंगे और तब दिक कोसाइन निकालेंगे, तीन बार निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का ना बिंदु है, नहीं समझ रहे हैं, अरे त्रिभुज का ना तीन गो बिंदु है, तो एक बार इस भुजा के लिए निकालना पड़ेगा, एक बार इसके लिए निकालना पड़ेगा, एक बार इसके लिए निकालना पड़ेगा, तीन बार ना निकालना पड़ेगा, एक काम मैंने तीन बार करना पड़ेगा, कर लेंगे ना, समस्या नहीं होना चाहिए। ए बी सी निकल जाएगा घटा करके, आ एल एम और एन का मान पूछ रहा है। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे दिक अनुपात, दिक कोसाइन को एक बार और घर जाके पढ़ लेना उसको, ताकि इसमें समस्या ना हो, अगले वाले एक्सरसाइज में इसका मतलब अच्छे से उपयोग हम लोग करेंगे।